मोहिंदर जीत सिंह मिरेकल इस समय मेरे साथ मौजूद है। वो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र है या कोई भी क्षेत्र, वो हर बार आगे रहे। आज वोटिंग में भी ये अव्वल नंबर पर रहे हैं और दिल्ली से आज जम्मू में वोट करने के लिए आए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वोटों का महत्व जो है वो कितना ज्यादा है और क्या कुछ इनके साथ हुआ, किस तरह से इन्होंने वोट दिया, आज जानेंगे। मिरेकल जी, पहले तो जेके चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले तो सल्यूट आपको कि देश के नागरिक होने का दायित्व जो है आज आपने निभाया है। नहीं, इसमें सल्यूट की कोई बात नहीं है, हम सबकी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि अगर हम एक देश के भारत के सिटीजन है तो मतलब वोट डालना अगर हमारा एक कर्तव्य है, ये हम सभी को करना चाहिए। अभी कहाँ स्टडी कर रहे हैं आप? अभी मैं करंट में दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में सेंट स्टीफन कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ। अभी स्पेशल वोटिंग के लिए जम्मू आया? हाँ, अभी मैं स्पेशल वोटिंग के लिए छुट्टी लेके जम्मू आया। तो कितना उत्साह था कि मैं वोट डालने जा रहा हूँ? वोट डालने का इतना उत्साह था, यहाँ तक कि हमारा वहाँ पे 1 तारीख को हमारा क्लास टेस्ट था और मतलब हमें वोटिंग का राइट बोल के ही मैम को हम लोगों ने क्लास टेस्ट को भी आगे करवाया। उसका भी अभी मतलब जाते मेरे को वो टेस्ट भी देना पड़ेगा, बिकॉज हमने वोटिंग के राइट को देखे कि हम अपने वहाँ पे जम्मू में इलेक्शन है विधानसभा के, हम जा रहे हैं तो ये टेस्ट को आगे किया जाए, वरना टेस्ट भी आगे नहीं हो पा रहा था। मिरेकल जी, जानना चाहेंगे किस तरह की मुश्किल आपको वहाँ पे अंदर आई या फिर किस तरह की सुविधाएं जो थी वो अंदर थी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से वोट जो है आपने कास्ट किया? वैसे अंदर मतलब इतनी सुविधाएं नहीं थी, मतलब जितनी एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए सुविधा उनके लिए, जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जा रहा है और अगर क्योंकि वहाँ पे उस पर्सन के अलावा किसी और को जी आपसे जुड़ना चाहेंगे थी, लेकिन इसको नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं इसके साथ ही गया था। मशीन पे तो प्रॉपर रखा होता, ब्रेल होता है प्रॉपर, जो कि अगर नहीं देख सकता वो महसूस करके मशीन पे, वो सब सुविधाएं थी ना? हाँ, वो ब्रेल की उसके ऊपर सुविधा थी, लेकिन इसकी नॉलेज में नहीं था। मिरेकल जी, मैं आपको यहाँ पे सही कर दूं कि वहाँ पे वो मशीन पे पूरा कुछ था, हो सकता है कि आपने नोटिस ना किया हो और हो सकता है कि वहाँ अगर आपको कोई पहले ही बता देता तो शायद आपको आसानी होती। वहाँ पे स्पेशल आप लोगों के लिए ब्रेल का इस्तेमाल किया गया ताकि आप अपने वोट जिसे भी देना, जो आपका मन पसंदीदा नुमाइंदा उसे वोट दे सके। हाँ जी, ठीक है। तो वहाँ पे था ये पूरी फैसिलिटी थी। सर, आपसे जानेंगे, आज मिरेकल जो है स्पेशल दिल्ली से जम्मू पहुंचा था ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सके, तो किस तरह का आप अनुभव रहा और कितनी खुशी हुई कि बेटा जो है वो अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए इतने दूर से जम्मू पहुंचा? मुझे सबसे पहले तो यही कहूंगा कि मैं बहुत ही एक खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसने ऐसे बेटे को पैदा किया। तो हालांकि जैसे आप जानते हैं कि आंखों से इनकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बिल्कुल हिम्मत ना हारने वाला एक इंसान है, ऐसा बेटा है। तो मैं कहूँगा कि अगर ये विकलांग होने के बावजूद दिल्ली से जम्मू आया, हालांकि इसका टेस्ट भी था, लेकिन ये आया। और मुझे दुख है उन लोगों के ऊपर जो अच्छे भले हैं और घरों में बैठे रहते हैं और हमारा जो वोट परसेंटेज है वो गिर जाता है। तो मैं चाहूँगा अगर एक विकलांग बच्चा इतनी सोच इतनी बुद्धि रखता है कि मैं एक पहला वोट था आज इसका, तो आज इसने एक पहला वोट भी दिया है 18 साल के, जैसे आप जानते हैं कि 18 साल के बाद जो राइट है। तो अगर ये निकल सकता है तो आम पब्लिक क्यों नहीं निकल सकती? अभी भी मैं बोलूँगा कि अगर अभी हमारे पास कम से कम 2 घंटे का समय है, तो मैं आम पब्लिक से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो भी घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के ऊपर पहुँच के वोट डालिए, अपना मन पसंदा और ऐसा एक नुमाइंदा चुनिए जो कि सचमुच में आम पब्लिक के लिए काम आ सके और आम पब्लिक की सेवाओं के मुताबिक उनके ऊपर खरा उतर पाए, ऐसे आप कैंडिडेट को चुनिए। तो देख सकते हैं मिरेकल ने आज अपना पहला वोट भी दिया है, उत्साह भी इनमें दुगना है और दूर से भी आए, हालांकि शुरुआत में इन्हें वहां ब्रेल उस मशीन पे पहचानने में थोड़ी कमी रह गई है, मगर पिताजी ने साफ बताया कि वहां इन्हें पूरी सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं और इस चीज़ को इन्होंने भी माना है। वोटिंग जो है वो सबका हक है और राष्ट्रीय पर्व ये रहता है और हर किसी को साथ होकर निभाना चाहिए। वोट डालना ज़रूरी क्यों है?
देखो वोट डालना इसलिए जरूरी है कि सभी को पता है कि एक्चुअल में सभी जानते हैं कि 18 इयर्स के ऊपर हमें एक सार्वभौमिक मत अधिकार दिया गया है, बट ये काफी कम लोग जानते हैं। इतना तो सब जानते हैं कि 18 साल से ऊपर हमें यहाँ पे अधिकार है, बट ये अधिकार स्टार्टिंग से हर जगह पे नहीं मिला गया। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े डेमोक्रेसी के देश हैं, जहाँ तक कि डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग प्राचीन रोम ग्रीक से मानी जाती है, वहाँ पे भी स्टार्टिंग में जो बड़े नॉबल्स से जमींदार थे उनको हक दिया जाता था और विमेंस को हक नहीं दिया जाता था वोट डालने का, और जितने हैंडीकैप से उनको हक नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि जो हमारे सबसे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, जहाँ से लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत हमारे देश ने भी अपने संविधान में ऐड की, वहां पर भी स्टार्टिंग विमेंस को और हैंडीकैप्स को शुरू से ही वोट डालने की इजाजत नहीं थी। बट हमारे देश में जब से हमें 7 से तब से लेके बिना भेदभाव के, चाहे कोई बिना जाति के, बिना भेदभाव के, चाहे कोई हैंडीकैप हो या विमेन हो, हर किसी को अगर वोट डालने का अधिकार दिया गया है तो क्योंकि हम आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि सभी अपने अधिकारों की वकालत करते हैं, अपने मौलिक अधिकारों की वकालत करते हैं, लेकिन हमें अपने मौलिक अधिकारों की वकालत करने का भी हक तब है जब हम ये एक ऑब्लिगेशन निभाएंगे, क्योंकि अगर हमें एक सार्वभौमिक अधिकार, सार्वभौमिक व्यस्त मत अधिकार दिया गया है, हम अपना अगर ये कर्तव्य निभाएंगे तो ही हम आगे बोलने के लायक हैं कि हमें अपने अधिकार चाहिए। देख सकते हैं कितनी जानकारी मिरेकल भी रखते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि देश का युवा, देश का भविष्य जो है वो इस वोटिंग को लेके कितना महत्व जो है वो समझता है। मगर वहीं परसेंटेज का हिसाब लगाया जाए, अभी भी आंकड़े जो है वो कम है, तो बढ़ाएं इस आंकड़े को, घर से बाहर निकलें। अभी भी आने वाले अगले 2 घंटे आपके लिए हैं, तो घरों में अगर अभी भी हैं या फिर किसी नौकरी पे हैं, व्यवसाय में हैं, छुट्टी लीजिए, ये एक दिन राष्ट्र निर्माण के नाम लगाइए। प्रशासन द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आपके लिए सुविधाएं जो है वो दी गई हैं, चाहे वो घर बैठ के बुजुर्ग अपने वोटिंग बूथ तक नहीं पहुंच सकते तो उनके घर तक वोटिंग पहुंच सकती है ताकि वो आराम से कर सके, और जो लोग हैंडीकैप है उनके लिए व्हील चेयर्स और अन्य साधन जो है वो रखे गए हैं, और जो ब्लाइंड है उनके लिए मशीनों में ब्रेन रखी गई है ताकि वो अपने चुनिंदा उम्मीदवार को जो है वो वोट कर सके। तो आप लोगों से भी अपील है कि घरों से बाहर निकलें और मत का दान जो है वो जरूर करें। ये अपील जेके चैनल के माध्यम से आप तक साझी कर रहे हैं। फिलहाल आप आम जनता अपनी राय जरूर साझी करें। इस समय जम्मू ईस्ट में मौजूद है जहां लोगों में इस समय वोटिंग को लेके उत्साह लगातार जारी। देखते रहे जेके चैनल, मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।